हेलो मॉमीज, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लैट हेड के ऊपर कि किस तरह से हम फ्लैट हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबीज में फ्लैट हेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है या ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बहुत आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट हेड होता क्या है। फ्लैट हेड क्या होता है कि जो बैक ऑफ द हेड है ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा देर तक जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो बच्चे का ये पोर्शन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है एंड यहाँ पे हेयर ग्रोथ भी नहीं होती है या बहुत निग्लिजिबल होती है। तो ये आगे चल के अगर आप इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और हो सकता है बिकॉज हेड की मसल्स इतनी सॉफ्ट होती हैं स्टार्टिंग में तो कई बार वो उसी तरह से शेप लेके रह जाता है। तो इसलिए जब भी आप नोटिस कर लें या जब भी आपके पीडियाट्रिशियन इसको नोटिस कर लें तो इमीडिएटली आप ट्रीट कर लिए। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती है, बहुत छोटा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत जल्दी है आसानी से ट्रीट हो जाता है। फ्लैट हेड कोई बीमारी नहीं है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज़रा सी एक्स्ट्रा केयर देते हुए बहुत आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो फ्लैट हेड को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और अगर कोई भी फीडबैक होता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो फ्लैट हेड को ट्रीट करने के लिए जो सबसे पहली सजेशन हमें दी जाती है हमारे एल्डर्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू या जो भी एल्डर्स हैं उनके थ्रू, दैट इज़ यूज़ अ राई पिलो या मस्टर्ड सीड्स पिलो। मैंने भी मस्टर्ड सीड पिलो यूज़ किया था और ये पिलो इमीडिएट आफ्टर बर्थ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पिलो यूज़ किया था, ये हमने घर पे ही बनाया हुआ था। तो मेनली क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट सा क्लोथ होना चाहिए जिसमें रफनेस ना हो, बेबी को इरिटेशन ना हो या उससे कुछ स्क्रैच या रैशेस ना आ जाए। तो मेनली मसलिन क्लोथ या सैटिन क्लोथ ही लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत लाइटली फिल्ड रखते हैं मस्टर्ड को। तो इस पिलो से होता क्या है कि जब भी बेबी का हेड इस पे रेस्ट करेगा तो ये पिलो अपने आप वो हेड की शेप ले लेगा और हेड का जो बैक ऑफ द हेड होता है वो फ्लैट नहीं होगा। तो जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर सपोज यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है हेड है तो ये अपने आप ही उसी कर्व में आ जाएगा। तो बैक ऑफ द हेड पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है बेबी के और इसलिए वो हेड फ्लैट होने से बचा जा सकता है। तो ये पिलो मैं यूज़ कर रही थी इमीडिएट आफ्टर समायराज बर्थ। बट जब मैंने बेबी केयर वर्कशॉप अटेंड करी तो वहाँ पे जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि यूजिंग अ पिलो फॉर अ बेबी ऑफ एज 1.5 ईयर ओल्ड और 1 ईयर ओल्ड और लेस देन 1.5 ईयर ओल्ड इज़ स्ट्रिक्टली नो नो, मतलब एक या डेढ़ साल से छोटे बच्चों के लिए पिलो यूज़ करना इज स्ट्रिक्टली नो नो, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस क्या हैं, जैसे हम एल्डर्स में भी अगर आपको सर्वाइकल इशू है, नेक पेन या बैक पेन का इशू है तो हमें डॉक्टर जनरली पिलो यूज़ करने को मना कर देते हैं या बहुत लाइट, बहुत ऊँचा पिलो नहीं हो, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत पतला सा पिलो यूज़ करने का सजेशन दिया जाता है थ्रू डॉक्टर। बिकॉज अगर आपका हेड ये अप ऊपर की तरफ रहेगा, पूरी बॉडी फ्लैट एंड हेड ऊपर की तरफ है तो जो हमारी बैकबोन है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, जो उसकी ओरिजिनल शेप है वो स्ट्रेट ना होके वो टिल्टेड हो जाती है हेड की तरफ से, इसलिए नेक पेन, बैक पेन एंड शोल्डर पेन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो सिमिलरली बेबी के केस में दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने पिलो यूज़ करने के लिए बिल्कुल मना किया था। तो फर्स्ट रीज़न होता है सेम कि उनकी इतनी अर्ली एज में वन मंथ या फ्यू वीक्स ओल्ड बेबी है, उसकी आप बैकबोन को जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसकी बोन्स ऑलरेडी शेप ले रही होती हैं और उसी स्टेज में आप उसको पिलो सपोर्ट के लिए दे देंगे तो उसकी जो बैकबोन की शेप है वो ऑलरेडी चेंज होने लगेगी। हो सकता है कि आपके बेबी पे कोई इफेक्ट ना आए पर हो सकता है कि आगे जाके वो एक प्रॉब्लम बन सके है कि जिससे उसकी हेड अगर ऊपर की तरफ उठा रहेगा तो नेक पेन और बैक का इशू या नेक का इशू हो सकता है और हो सकता है ना भी हो। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि जब बेबी का हेड ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है पूरी बॉडी के पैरेलल में और जो बहुत छोटा बेबी है, मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही नाजुक से होते हैं, हम उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं कर सकते कि पता नहीं होता कि हमें उनकी बॉडी किस तरह से उसका उस पर रिएक्ट करेगी।
तो सिमिलरली कि अगर हम बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम पिलो यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ टिल्टेड हो जाता है, जिससे उनको ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है और बहुत बार सफोकेटेड हो जाते हैं बेबी इस चीज़ से, एंड कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए वर्कशॉप के बाद ये एक मुझे नई चीज़ पता चली कि पिलो यूज़ करने के ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड फ्लैट हेड को ट्रीट करने के लिए पिलो कंपलसरी नहीं है। तो उसी दिन से मैंने पिलो यूज़ करना बंद कर दिया। बट फॉर्चुनेटली मैं 20 डेज तक पिलो यूज़ कर रही थी, थैंकफुली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी समायरा को, एंड समायरा को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न भी नहीं थी। बट अगर आपके बेबी को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है और आप अभी तक राई पिलो या मस्टर्ड सीड्स पिलो यूज़ कर रहे हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप मत करिए। उसकी जगह क्या यूज़ करना है, मैं 4 से 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से विदाउट यूजिंग मस्टर्ड सीड पिलो आप बेबी का फ्लैट हेड ट्रीट कर सकते हैं। तो नंबर 1 ट्रिक, टमी टाइम। तो टमी टाइम पे मैं पूरा ही एक टमी टाइम के टॉपिक पे ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने इतनी सारी आपको एडवांटेजेस बताई हैं ऑफ टमी टाइम। अगर आपका बेबी अभी हुआ है लाइक कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वीक्स पहले, तो इमीडिएटली टमी टाइम आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। टमी टाइम अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जितनी जल्दी बेबी को उसका यूज़ टू कर देंगे, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बिलीव मी। फॉर एग्जाम्पल, कोलिक प्रॉब्लम नहीं होती, गैस प्रॉब्लम नहीं होती, नेक सपोर्ट बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, एंड क्रॉल करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप अपने बेबी का टमी टाइम 5-10 मिनट से लेके 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं, और किस तरह से उसको एंटरटेनिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से टमी टाइम बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है और फ्लैट हेड में भी हेल्प करता है। कि बिकॉज अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा देर बैक पोजिशन में बैक के बल ही लेटा हुआ है, तो उसको अगर आप टाइम बैक के बल लेटने का टाइम धीरे धीरे कम कर देंगे और पेट के बल उसको लेटाने की आदत डाल देंगे, तो धीरे धीरे उसका ये फ्लैट हेड की प्रॉब्लम कम होने लगेगी। नेक्स्ट एक होती है होल्ड योर बेबी एंड प्ले विद दैम। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा देर तक बैक के बल बेबी को नहीं लेटाना है, तो अपने बेबी को गोद में उठाइए, उसके साथ प्ले करिए, उसके साथ खेलिए। तो कोशिश करिए कि वो उस पोजीशन में कम से कम रहे, जिस जगह पे उसका हेड फ्लैट है उस पोजीशन में वो कम से कम रहे। इसलिए उसको सारे दिन लेटा ना रख के उसको आप गोद में भी रख सकते हैं, इस तरह से रखिए जिससे उसका हेड यहाँ पे रहे, जिससे उसका ये जो नेक के बाद वाला पोर्शन है, ये जो हेड है वो पूरा फ्री रहे, वो किसी जगह पे रेस्ट ना कर रहा हो। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और यहाँ पे मसल्स ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएंगी और फ्लैट हेड की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक होती है साइड चेंज करते रहना है बेबी का। ये मैंने टमी टाइम वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। क्या होता है कि जब बेबी सो रहा होता है तो आप उसको लाइक 1 वीक का भी बेबी हो तब भी आप उसकी साइड चेंज करते रहें, मतलब उसको करवट पे सुलाने की आदत डालते रहें। उससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो उसकी जो बैक ऑल टाइम फ्लैट है उसकी मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। पूरे टाइम एक ही पोजिशन में लेटे लेटे बैक में पेन हो सकता है, मसल्स रिलैक्स होनी थोड़ी ज़रूरी है, तो इसलिए उसको टाइम टू टाइम आप सोते हुए भी करवट दिला सकते हैं। कई बार अपने हैंड के ऊपर करवट सिर रख सकते हैं उसका, तो टाइम टू टाइम उसको करवट दिलाने की आदत डालिए, जिससे उसका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा देर रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रहेगा, तो फ्लैट हेड ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज मसाज योर बेबी स्पेशली इन दिस पोर्शन। बहुत ज़्यादा हैवी हैंड से, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं करनी, बहुत सॉफ्टली मसाज करनी है इस एरिया में, जिससे उसका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो और उसकी जो हेड मसल्स हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हेड मसल्स बहुत सॉफ्ट होती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होता है तो अपनी शेप में आने लगता है। तो इसलिए उसको लाइट हैंड से डेली मसाज जरूर करिए। बहुत हार्ड मसाज नहीं करना है, बहुत टाइटली मसाज नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है। ऑयलिंग या आप कुछ मॉइस्चराइजर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हैंड से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त ऑयल करना है, आप जस्ट हाथ से जब भी आपको टाइम मिलता है उसको सहलाते हुए भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसको ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पर सही होता रहे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा देर उसको बैक के बल लेटा के नहीं रखना है। तो हम पेरेंट्स ये गलती कर सकते हैं कि उसको बेड पे नहीं लेटे रखना है, तो उसको चलो स्ट्रॉलर में वॉक करा के ले जाते हैं या कार में घुमा लाते हैं, रॉकर में लेटा देते हैं। बट वेदर इस कार सीट, इस स्ट्रॉलर, रॉकर, स्लिंग, इन सभी में क्या होता है कि बच्चा ऐसे ही रेस्ट करेगा, और ऐसे रेस्ट करने का मतलब है कि उसकी बैक तो स्लाइटली टिल्टेड है, बैक फ्लैट नहीं है, बट उसका हेड अभी भी रेस्टिंग पोजीशन में है। तो
अगर आपके बेबी का हेड बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो आप ये स्ट्रॉलर, कार सीट, रॉकर, स्लिंग इन चीज़ों को भी कुछ टाइम तक अवॉइड करिए या इनका टाइम मिनिमाइज कर दीजिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा देर हेड फ्लैट पोजीशन में रहेगा वो फ्लैट हेड और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे उसका हेड और ज़्यादा प्रेशर में ना रहे। एंड लास्ट ट्रिक है कि चेंज योर बेबीज पोजिशन इन क्रिब और कॉट। लाइक जब भी आप उसको कॉट में सुला रहे हैं तो सपोज आप इस तरफ को उसका हेड रखते हैं, अगर आपने इस तरफ से हेड रखते हैं और इस तरफ उसके लेग्स होते हैं तो नेक्स्ट डे उसका हेड इस तरफ रखिए, लेग्स इस तरफ रखिए, इस तरह से अल्टरनेटिवली उसकी हेड की पोजीशन चेंज करते रहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे अपनी हेड के ऊपर की या आइज़ के जो ठीक सामने की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो उस केस में जब उसको डिफरेंट आप पोजीशन में लिटाते रहेंगे तो उसको उस तरफ की चीज़ें दिखती रहेंगी और उनसे वो अट्रैक्ट होगा, अपनी नेक वो साइज़ चेंज करता रहेगा, अपनी नेक को रोटेट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक पोजीशन में उसका हेड नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये ट्रिक बहुत छोटी सी है पर ये एक्चुअली हेल्प करती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और आप पिलो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था तो मैंने उसी दिन से बंद कर दिया था, मुझे लगा फिर इसका कोई यूज़ ही नहीं है पिलो का। मैंने पहले सोचा था कि पिलो का कोई फ़ायदा होता है इसलिए हम यूज़ करते हैं, पर जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि पिलो यूज़ करने कोई बेनिफिट ही नहीं है, अदर देन एक बेनिफिट होता है कि विंटर्स में जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं या जो राई होते हैं उससे हीट जनरेट होती है जो थोड़ी सी वार्मथ देती है बेबी को, अदर देन दिस इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इमीडिएट उसी दिन से बंद कर दिया था और फॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि समायरा को फ्लैट हेड की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो इसलिए अगर आपके बेबी को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है तो इन 4 से 5 स्टेप को ज़रूर फॉलो करिए। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी फ्लैट हेड को ट्रीट कर सकते हैं, 1-2 मंथ्स में वापस वो अपनी शेप में आना स्टार्ट कर देगा और उसका हेड राउंड शेप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।